नमस्कार, मैं अमित कुमार साउथ करता हूँ आपका जीएस पाठशाला में। गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। गाइज ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का चैप्टर 8 है, क्वेश्चन आंसर। गाइज हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक है हमारा एनसीईआरटी समरी, दूसरा है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो समरी में आपको उस चैप्टर का डिटेल्स बताया जाता है समरी के रूप में, नेक्स्ट उससे रिलेटेड एमसीक्यू को इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में डाला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर है जिसमें आज हमारा चैप्टर है क्लासिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किस शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था। तीसरा, हमारा अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम शासक तो वो अशोक है। चौथा, हमारा मौर्य साम्राज्य में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। पांचवा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा सारा ऑनलाइन एड्रेस है। प्लीज़ गाइज, अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।